जो कि आ रही है जयपुर से, छह दिनों से हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना मार्च भी निकाला है, कॉलेज के हॉस्टल से त्रिमूर्ति चौराहे तक ये मार्च निकाला गया है और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर हैं, पूरे देश में ही हड़ताल पर हैं, लेकिन जयपुर में हम देख पा रहे हैं कि छह दिनों से हड़ताल जारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की और अपना मार्च भी इन्होंने निकाला है कॉलेज के हॉस्टल से त्रिमूर्ति चौराहा जो है वहां तक इन्होंने मार्च अपना निकाला है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। 6 दिनों से हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, बेहतर व्यवस्था की, कॉलेज के हॉस्टल से त्रिमूर्ति चौराहे तक ये मार्च निकाला गया है और बड़ी बात यह है कि 6 दिनों से इनका हड़ताल जो है वो जारी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो पुनः आपको बता दें, जयपुर में 6 दिनों से हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक मार्च भी निकाला है कॉलेज के हॉस्टल से त्रिमूर्ति चौराहे तक ये मार्च निकाला गया है जहां पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। सोमू आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। तो सोमू, 6 दिन से हड़ताल पर हैं, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि 8 सूत्रीय मांग क्या है। बिल्कुल, देखिए अब आज 6 दिन है उनकी हड़ताल का और साफ तौर पे जो उनकी मांगे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने हड़ताल की थी, तब समझौता हुआ था सरकार के साथ और उस वक्त जो सारी चीजें डिसाइड हुई थी, इनका ये कहना है कि सरकार ने उसके बाद उनकी मांगों पर उस तरह से विचार नहीं किया है। सबसे बड़ी मांग जो है वह सुरक्षा की है। सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी जो ढांचा है वो पूर्व समझौते के अनुसार सुदृढ़ किया जाए, यह उनकी मांग है। स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग है, साथ ही साथ वर्तमान में वो बता रहे हैं कि जो अन्यायपूर्ण अनिवार्य बॉन्ड नीति है उसको संशोधित किया जाए ताकि सीट छोड़ने की पेनल्टी जो है वो इतनी बड़ी राशि लगती है और उस तरह की जो तमाम प्रावधान है उसको हटाया जा सके। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की योग्यता जो है वो उसके आधार पर उनको नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए। हॉस्टल्स में क्योंकि रहने की सुविधा बहुत स्तरीय नहीं है ऐसा उनका आरोप है, इसलिए अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो बाहर रहता है तो उसको भी एचआरए दिया जाए। साथ ही साथ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के वेतन में जो असमानता है उसको हल किया जाए। डिग्री प्राप्त कर रहे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इन सर्विस डॉक्टरों के बीच वेतन की असमानता को भी दूर किया जाए। ये तमाम मांगे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने दूसरी बार इस साल में अपनी हड़ताल जो है उस तरह से शुरू की है। अच्छा सोमो, एक बात बताइए, देश के अलग अलग हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर्स जब हड़ताल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका भी इन्हें समर्थन मिला है, क्या जयपुर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है? और देखिए, साफ तौर पर सीनियर डॉक्टरों पर दबाव भी है और वो उनका समर्थन तो कर ही रहे हैं क्योंकि वे भी कभी रेजिडेंट डॉक्टर थे और वो भी समझते हैं कि जिस तरह की समस्याओं का सामना ये रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं उसका समाधान शीघ्र ही होना चाहिए। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।